ओडिशा, कालाहांडी, एक मुट्ठी अनाज। इसी एक मुट्ठी अनाज के कारण कालाहांडी देश के ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर आया। हालांकि मुद्दा विवादित है कि क्या वाकई में भुखमरी के कारण किसी की मौत हुई, पर कब सूखा पड़ जाए, कब अनाज की कमी हो जाए, ये चिंता लोगों की मानसिकता में घर कर गई है। आज यही मुट्ठी भर अनाज यहाँ चलाए जा रहे प्रौढ़ महिला साक्षरता आंदोलन का अहम हिस्सा है। रोजाना महिलाएं एक एक मुट्ठी अनाज लाकर इस तरह सामुदायिक रूप से इकट्ठा करती हैं। एक तरह से ये ढेर इनका अनाज का बैंक बन जाता है। जरूरत पड़ने पर, यानी कि किसी के घर मेहमान आ जाए या उस सप्ताह वो बाजार से अनाज न खरीद पाए, तो यहाँ से अनाज ले लेती हैं और ये अनाज एक ऋण की तरह है। चुकता करने के वक्त साथ में ब्याज भी चुकाना पड़ता है। ब्याज है 4 मुट्ठी पर 1 मुट्ठी। अनाज की ढेर ने दिया है इन्हें आत्मनिर्भरता का एहसास। दिखने में कितनी सरल व्यवस्था है, पर इस व्यवस्था ने न जाने कितनी निरक्षर महिलाओं को प्रेरित कर अपने अपने गांव में अपने छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्व सहायता समूह से जोड़ा है। एक साथ मिलकर बातें करती करती, आपसी दुख सुख बांटती जब ये पढ़ती हैं, तब एहसास होता है कि ये अकेली नहीं है, समूह के रूप में एक शक्ति है। यहाँ पहले उड़ीसा की विशेष परिस्थितियों को समझना जरूरी है। देश में साक्षरता दर के बढ़ने के बावजूद देश के 9 राज्यों में पाया गया कि महिलाओं में साक्षरता दर कम है, यानी सिर्फ 30-40% के बीच। इसमें उड़ीसा शामिल है। इन राज्यों में नया AFLP एडल्ट फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम प्रौढ़ महिला साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया। उड़ीसा में भी 9 पिछड़े जिलों को विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए चुना गया जहाँ साक्षरता दर कम थी। इनमें है नवरंगपुर और मलकनगिरी जहाँ साक्षरता दर लगभग 21% है, रायगढ़ और कोरापुट जहाँ साक्षरता दर लगभग 24% है, नुआपाड़ा जहाँ साक्षरता दर 26% है, गजपति जहाँ साक्षरता दर 28% है, कालाहांडी जहाँ साक्षरता दर लगभग 29% है और सोनपुर और बोलंगीर जहाँ साक्षरता दर 35% के आसपास है। यहाँ का ये 9 जिला जो वो सेलेक्ट किए हैं, उसमें ज्यादातर ट्राइबल प्रेडोमिनेंट एरिया है। वही ट्राइबल प्रेडोमिनेंट एरिया में जस्ट अगर लोगों का साथ मिलने के लिए सोशियो कल्चरल मिल को अंडरस्टैंड करने लायक होना चाहिए, वो नॉर्मली गवर्नमेंट एजेंसी में नहीं हो पाता है। और दैट इज वन मेजर रीजन वाई NGO सर। और दूसरे कारण ये है कि आप देखते हैं सारा देश में SHG ग्रुप्स बना रहे हैं। यहाँ जो ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स में SHC ग्रुप्स का बहुत प्रभावित है, वो सब दे हैव ऑल बीन प्रमोटेड बाय NGOs एंड देयरफॉर द रैपर्ट बिल्डिंग आर पर्सुएडिंग टू कम फॉर अ वॉलंटरी एफर्ट टू लर्न लैंग्वेज। एंड बहुत ज़्यादा जगह पर जहाँ जहाँ SHC ग्रुप्स हुआ है, द लोकल ट्राइबल्स जो है वो लोग दे आर नाउ क्रेविंग फॉर लिटरेसी। हमको लेखा पढ़ी जानना चाहिए, नहीं तो हमको वी विल नॉट बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। यही कारण से NGOs का प्रोमोटेड SHG ग्रुप्स प्लस देयर ओन इंटरेस्ट इन लर्निंग, दैट इज द एनवायरमेंट इन विच द राइट डिसीजन हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर इन ट्राइबल एरियाज टू इन्वॉल्व द NGOs। निरक्षरता, पिछड़ेपन और गरीबी का ऐसा चक्र रहा कि विकास योजनाओं का भी फायदा ये आदिवासी ठीक से नहीं उठा पाते थे। ऐसे में इस नए कार्यक्रम के तहत मुहिम शुरू की गई कि सभी महिलाओं को साक्षर बनाना है। व्यावहारिक रूप से कम साक्षरता दर को 50% तक पहुंचाना है। एक नई रणनीति के तहत इस कार्यक्रम को सरकारी तरीके से चलाने की बजाय NGOs स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया गया। NGO का इसीलिए इन्वॉल्व किया गया है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ये काम ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा काम भी है और NGO जो ग्रास रूट लेवल में काम कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा लोगों को समझते हैं, उनका पल्स को पकड़ सकते हैं।
इसीलिए एनजीओ को ये काम सौंपा गया है। उड़ीसा की 122 स्वयंसेवी संस्थाओं को जिनके लोगों से संपर्क तार जुड़े हुए हैं, जो लोगों की नब्ज को पहचानते हैं, जो आम आदिवासी के बीच उठने बैठने के कारण उनकी आदतें, जीवन शैली और मानसिकता को समझते हैं, उन्हें इस कार्यक्रम का जिम्मा दिया गया। इस तरह ये स्वयंसेवी संस्थाएं एक नई उमंग, एक नए जोश के साथ इस कार्यक्रम को बढ़ाने में लगी हैं। पहले गांव-गांव जाकर इन्होंने सर्वेक्षण किया कि 15 से 35 उम्र की कितनी महिलाएं निरक्षर हैं। इनकी बाकायदा नाम से सूची बनाई गई। फिर इन लोगों को कौन पढ़ा सकता है, यानी गांव की ही कोई 8वीं 10वीं क्लास पढ़ी लिखी लड़की या महिला जो वॉलंटियर टीचर स्वयं अपनी इच्छा से बिना किसी भत्ते की उम्मीद से निरक्षरों को पढ़ाए, उनकी पहचान की गई। पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों को एक अनूठे तरीके से मैचिंग बैचिंग किया गया, यानी इन 10 या 15 निरक्षर महिलाओं को ये वॉलंटियर पढ़ाएगी, ये तय किया गया। पर कुछ भी पढ़ाने से तो समस्या का हल नहीं। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए प्राइमर को रोचक बनाया गया। साधारण क ख ग पढ़ाकर ये बताना कि क से कमल, ख से खरगोश की बजाय उन वर्णों से पाठ शुरू किए जाते हैं जिन शब्दों को ये भोले भाले लोग पहचानते हैं। ऐसी भाषा स्थानीय डायलेक्ट का प्रयोग होता है जिस भाषा से ये लोग परिचित हैं। आदिवासी इलाके में सैकड़ों तरह की जुबान चलती है। इन महिलाओं में अपनेपन की भावना रहे, वे पढ़ाई को नीरस न समझकर रोचक समझें, तभी वे क्लास में आएंगी, ये सोचकर पढ़ाने की सामग्री बनाई गई है। साक्षरता कार्यक्रम की अनुकूल वातावरण बनाना ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। लगभग हर एनजीओ ने अपने अपने तरह से पढ़ाई का वातावरण बनाने की कोशिश की है। उमंग और उत्साह उत्पन्न करने के लिए ज्यादातर एनजीओ ने लोकगीत और लोक नृत्य का उपयोग करके एनवायरनमेंट बिल्डिंग का काम शुरू किया। वैसे भी जब भी गांव में कोई अतिथि या बाहर का व्यक्ति आता है तो उसका जोरदार स्वागत होता है। ये यहाँ की समृद्ध परंपराओं में है। गांव की सरल महिलाओं को आगे लाने के लिए इस माध्यम को एक रणनीति का अमली जामा पहनाया गया। जब महिलाएं लोक नृत्य या लोक गान के लिए एकत्रित हो गई तो उन्हें प्रेरित करने की कोशिश की गई कि उन्हें क्यों साक्षर बनना चाहिए। महिलाओं को विश्वास होने लगा कि कोई उनको उनकी जड़ों से नहीं उखाड़ रहा, नहीं दूर किसी स्कूल में जाकर पढ़ने को कह रहा। और एनजीओ की बातें माने तो पढ़ने लिखने के जो फायदे उन्हें बताए गए वे महिलाएं चाहती थी। उदाहरण के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में सौदा लेते वक्त इनका ठगा जाना आम बात थी। पढ़ना आता नहीं था, सो महाजन ने जो कहा वो उन्हें स्वीकारना पड़ता था। इन्हें एहसास था कि इनका शोषण हो रहा है, पर उसका कोई उपाय इनके पास न था। जरूरत पड़ने पर जो पैसे महाजन से ऋण के रूप में लेते थे उसका ब्याज चुकाते चुकाते जिंदगी निकल जाती थी। ये यहाँ की हकीकत थी। निरक्षर होने के कारण विकास योजनाओं का कोई लाभ उठा पाने में असमर्थ थी। नतीजा, जिंदगी कठिन होने लगी। पहले जंगल से लकड़ी काटने का काम था, घर पर आकर चूल्हा चक्की का था, घर परिवार की देखभाल का था, पर जमाने की बढ़ती मांग के अनुसार काम का भार बढ़ता गया। इन्हीं महिलाओं को खेत खलियानों का ज्यादा काम करना पड़ा। बाजार में जाकर फल सब्जी बेचना भी इन्हीं का काम बना। सीमित संसाधनों में घर चलाने का भार भी इन्हीं के माथे पड़ा, क्योंकि आदमियों में शराब व दूसरी लतों के चलते उनका दैनिक कामों में योगदान घटता गया। इस साक्षरता कार्यक्रम को चलते कुछ ही समय में अब महिलाओं को लगने लगा है कि पढ़ लिख कर वे अपनी जिंदगी संवार सकती हैं, वे अपने घर परिवार के रहन सहन का स्तर सुधार सकती हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सकती हैं ताकि उनका भविष्य बने।
ये गांव में अपने खुद के निर्णय लेने में समर्थ हो रही हैं। जो कुछ भी नहीं जानते दो अक्षर पढ़ने से भी भले अच्छा से हिस्सा माने ये सब कर जा सकते हैं और बोल सकते हैं अच्छा से। I am happy because 2 years back the women were totally illiterate and they were being exploited by a lot of vested interests. Now they are totally empowered and they can voice their demands before the appropriate authorities. And now they know what are the services available by the government to them. And now they demand for it. यहाँ का औरत का लिखने का पढ़ने का बहुत आग्रह है, लेकिन ये मान कर समय कम तो जो घर परिवार काम धंधा। इस गांव की सरपंच संगीता नायक का कहना है कि महिलाओं में पढ़ने की इच्छा तो थी पर कहती थी वक्त नहीं है, बच्चों को संभालने से फुर्सत नहीं। अब ये खुद घर घर जाकर महिलाओं को समझा रही हैं कि वे क्लास आकर साक्षर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। देखो तुम लिखी परिवार पढ़ी परिवार पोजियो को शिक्षित करी परिवार इस अवधि में बुझोगी। पंचायत और समाज के लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को चलाना ये रणनीति का अहम हिस्सा है। इसमें फायदा वाली बात यह है कि माँ लोग जो पढ़ते हैं सीख रहे हैं अभी शिक्षित हो रहे हैं, इसमें बच्चों को जो भी स्वास्थ्य में शिक्षा के बारे में घर में साफ सफाई परिवेश भी बदल रहा है। और ये जो अभी हमारे विश्वास जो केंद्र की तरफ से जो हमारे यहाँ 33 केंद्र खुले हैं उसमें हमारे यहाँ से बूढ़ी पाली पंचायत से 500 महिला का भी सक्रिय किए जा रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत फर्क है क्योंकि महिला लोग अभी शिक्षित हो रहे हैं बहुत, अगर महिला लोग शिक्षित होंगे। गांव के आदमी भी ये स्वीकारते हैं कि महिला पढ़ लिख जाए तो फायदे बहुत है। सभी साथों साथ अभी हो रहा है, महिला लोग शिक्षित होने से बच्चे भी शिक्षित होंगे, गांव में कई किस्म से साक्षरता अभियान चालू होगा, महिला लोग अपना महिला समिति बना रहे हैं और कई किस्म के अपना बचत योजना सब कुछ कर रहे हैं। वातावरण बनाने के लिए जो लोक संगीत का इस्तेमाल किया जा रहा है, कला जत्थे निकाले जा रहे हैं, उनका मकसद भी यही है कि सभी गांव वालों को इस मुहिम में शामिल करना है, उनमें जागृति पैदा करनी है कि गरीबी उन्मूलन की बात हो, बदलते वक्त के साथ तरक्की करने की बात हो, सरकारी योजनाओं का सही फायदा उठाने की बात हो या स्वास्थ्य सेवाओं के इस्तेमाल की, तो पहले साक्षर होना जरूरी है। कोरापुट में जो ड्राइवर है उसका खासियत यही है, हम कंबाइंड एफर्ट करते हैं, हम कल्चरल प्रोग्राम को और डेवलपमेंट प्रोग्राम को और लिटरेसी प्रोग्राम को मिला के हम लोग के पास पहुंचते हैं, सो दैट इन ऑल राउंड एवरी एस्पेक्ट में हम उनको छू पाएंगे, उनका जो मोटिवेशन है उनका पार्टिसिपेट करने का, सो दैट वी विल एक्सट्रैक्ट वर्क फ्रॉम देम थ्रू डेवलपमेंट प्रोसेस, थ्रू लिटरेसी प्रोसेस एंड थ्रू कल्चरल प्रोग्राम्स। इन दिस एस्पेक्ट वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए फेस्टिवल ट्राइबल नेम ट्राइबल फेस्टिवल दैट इज परब, वेयर ऑलमोस्ट ऑल द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन रिवोल्यूशनरी प्रोसेस। वी ब्रॉट अस शो लोक आंदोलन जो कहते हैं पीपुल्स मूवमेंट वी हैव क्रिएटेड थ्रू दिस मींस। फिर पढ़ाई प्रक्रिया भी रोचक और अनौपचारिक ढंग से होती है, कोशिश है कि 15 से 35 उम्र की महिलाओं पर जोर रहे, पर आयु की कोई सीमा नहीं, बंदिश नहीं, क्लास में किसी बुजुर्ग महिला को भी देखा जा सकता है। कहीं महिलाओं की गोद में बच्चे आते हैं तो कहीं कुतूहलवश उनके बच्चे या आदमी भी क्लास में झांकते नजर आ जाते हैं। क्या हो रहा है ये कहानी सारे गांव के समाज के सामने है, ऐसे में प्रतिरोध या बाधा डालने की संभावना कम हो जाती है। पहले जो लिटरेसी प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट किया है कोरापुट जिला कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, वो सिंपल लिटरेसी प्रोग्राम में उन लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं था, जब हम इसको लिंक किया है अदर प्रोग्राम से डेवलपमेंट वर्क से देन एजुकेशन जो स्कूल एजुकेशन देन आंगनबाड़ी काम से जो हम लोग लिंक किए हैं वो देखा, क्या देखा हम लोगों का इंटरेस्ट बहुत अच्छा आ गया।
वो सरपंच लोग जो है, जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो लोग बहुत इंटरेस्ट लिए हैं। जो जब हम सब लोग सब प्रोग्राम को लिंकअप करके एक प्रोग्राम कर दिया है जिला में, तो इसका जो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। इस व्यवस्था के तहत रिसोर्स पर्सन इन वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण देते हैं कि उन्हें सीमित समय में इन महिलाओं को कैसे पढ़ाना है। वैसे रिसोर्स पर्सन का भी प्रशिक्षण होता है, ये एक चार स्तरीय प्रक्रिया है। प्रशिक्षण का महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि सिर्फ वातावरण बनाकर पढ़ने की रोचक सामग्री लाकर महिलाओं में जागृति नहीं आएगी। मुख्य मकसद है कि महिलाएं विभिन्न सामाजिक मुद्दों को समझें, जैसे महिला पुरुष समानता, राष्ट्रीय एकता, छोटे परिवार का फायदा, बच्चों में शिक्षा की अहमियत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत वगैरह। इसीलिए प्रशिक्षण के दौरान वॉलंटियर्स से लेकर दूसरे स्तर के मास्टर ट्रेनर्स से लेकर रिसोर्स पर्सन तक को इन मुद्दों को कैसे पढ़ाया जाता है उससे परिचित करवाया जाता है। मॉनिटरिंग और सुपरविजन ये भी रणनीति का अहम हिस्सा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राज्य संसाधन केंद्र प्रशासन, जिला साक्षरता केंद्र, सभी के प्रतिनिधि मिलकर इस कार्यक्रम का संचालन और निरीक्षण का काम देख रहे हैं। राज्य संसाधन केंद्र के जिम्मे है कि वो न सिर्फ उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्री बनाए पर उसे जिला स्तर तक पहुंचाए। उसके लिए इस केंद्र को लगातार सभी के संपर्क में रहना पड़ता है। फिर हर क्षेत्र की अपनी खासियत है, क्षेत्र विशेष के हिसाब से भी कार्यक्रम को ढाला जा रहा है। जिला प्रशासन के सहयोग से ही इस कार्यक्रम को जिले में चल रही विकास योजनाओं से जोड़ा गया है। मुझे लगता है ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम के बाद कि प्रोग्राम के अंतर में भी बहुत फायदा आ रहा है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जब आ रहे हैं उनका इनकम जनरेशन कैसे हो पाएगा, लिटरेसी का आपकी लाइवलीहुड, उनका संबंध है सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज कैसे बढ़ पाएंगे। जो महिलाएं एक बार महिलाओं के साक्षरता हो पाएगा तो उसके बाद भी जो परिवार का जो आर्थिक परिस्थिति वो भी सुधर जाएगा। इसके लिए भी स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ज्यादा सफल हो रहा है। उदाहरण के लिए देवला गाँव के इस आदिवासी महिलाओं के समूह को यहाँ की चीनी और केरोसिन डीलरशिप दे दी गयी है। इससे न सिर्फ बिचौलियों और अपने लाभ के लिए काम करने वाले भ्रष्ट लोगों से गांव वालों को छुटकारा मिला है बल्कि इन महिलाओं का भी सबलीकरण हुआ है। इसकी मिसाल है इनकी ये नेता। स्वावलंबी होने के बाद कितना बदलाव आया है इनमें, इनकी बातों से पता चलता है। हम तो एंटी का ना जान रोलो ना सीख रोलो हम ये से जी गुरु पहला दिन ला दिल्ली जी बगाम को बोल लगला मुझे बेसी खुशी लगला हम लोग नाम लगी। आदिवासी महिला को जिला प्रशासन ने अपने प्रतिनिधि के रूप में गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली भेजा। शी इज पद्मा, शी टू इयर्स बैक शी वाज ऑलमोस्ट वेरी इलिटरेट लेडी, टोटली अननोन टू एवरीबॉडी। And now the empowerment, see the epitome of empowerment of women. Now she is not only the SHG leader, but she has represented our state in the Republic Day celebrations in New Delhi last year. She has met the Prime Minister and also other dignitaries. And now she is almost a very big opinion maker for this area. पैसा बोले हम निजे आखा रोजगार करते रहलू, हम आग तू सौगर कर जाते रहलू, डबल डबल कंपनी में से मांगते रहलू। ये पूछने पर कहती है कि पैसे बच्चों की और परिवार की बेहतरी पर खर्च करती है। साक्षर बनने के बाद खुद के पैरों पर खड़े होने से एक नया आत्मसम्मान आया है इनमें, जो इनके चेहरों पर साफ झलकता है। अक्सर हो या हम जैसे अजनबी जिनसे पहली बार मिले ही पूरा आत्मविश्वास है इनमें। ये है नव साक्षर का सुंदर रूप जिसे हम सभी देखना चाहते हैं। अभी तो कई और गांवों में जब पढ़ाई के बाद वे हम होंगे कामयाब की तर्ज पर उड़ीसा में गाती हैं, तो उनकी जुबान से सिर्फ शब्द नहीं निकलते, उन शब्दों का यथार्थ निकल रहा है जो देखने वाले को मोहित कर लेता है।
करे काजू के बगीचे के बीच अपने काजू के पेड़ों पर ध्यान भी रखा जा रहा है और साथ में पढ़ाई भी हो रही है। ये काजू के बाग का व्यापार भी इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकार ने दिया है ताकि उसका मुनाफा भी इनके पास जाए और साथ ही काजू के बगीचों की बेहतर देखभाल भी हो रही है, सरकार को भी फायदा है। महिलाएं एकजुट हो जाएं तो क्या नहीं कर सकती। एक तरह का पुरुष प्रधान समझा जाने वाला काम भी इन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस खेत की ये पावर टिलर द्वारा जुताई कर रही है। टिलर इनके स्व सहायता समूह को रेंट पर दिया गया है। ये मूंगफली, पत्ता गोभी, मिर्च, टमाटर, काजू सभी कुछ यहाँ उगाती है। उससे लाभ और इस मशीन को किराए पर चढ़ाकर जो लाभ मिलता है उसे आपस में बांटती है। जाहिर है इनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। अब पैसा लगा कर जमीन खरीद कर रखती है जी। जमीन खरीद कर बच्चा बच्ची लोग को कुछ जमा और ड्रेस खरीद करती है। एक तरह से साक्षरता मुहिम को स्वरोजगार और आर्थिक संपन्नता के साथ जोड़कर चलाना ही इस योजना की सफलता का कारण बन रहा है। शिवानी स्व सहायता समूह इसकी सशक्त मिसाल है। इस समूह के पास है अनाज वितरण की डीलरशिप। इसी समूह के पास है केरोसिन वितरण की डीलरशिप। अपने लाभ से समूह ने इस केरोसिन के गोडाउन को भी बनवाया है। इनकी अध्यक्षा कमला खोरा को तो विशेष पुलिस अधिकार है जिससे अवैध शराब ठेकों पर ये पाबंदी लगा सकती है। कुछ वर्ष पहले ये भी निरक्षर थी। आज नई साक्षरता योजना में एक अहम कड़ी के रूप में अपनी साथी महिलाओं का प्रेरणा स्रोत है। बाहर को बाहर लू ऑफिस मैंने जान लु बैंक को जान लु बैंक रे जाकर टंका उठेलु निजे निजे टंका नहीं बांधु छु एबे आउरी हमरो जे चावल बिक्री होगा पैसा मिसार निजे गणी के नहीं बैंक रे दो। फायदा बहुत है। बैंक जाने से लेकर सब तरह के काम कर सकते हैं। कथा होचु कलेक्टर ऑफिस जाए कलेक्टर साहब मिसार मिला मिसा करचु आ टंका लाभ जा रहो छी ता बैंक ने बांधु। अंजीरिया रोहिला का कहना है उसने अपने पैसों से इमली के बाग खरीदे और अभी 4000 रुपए का मुनाफा कमाया है। ठीक है। असुविधा है कौन लगा बोले घास बाजवाठ पैसा नबो ज्वर हब बोले नेबू पैसा। कुसुम बेनिया कहती है कि कमाए पैसे स्वास्थ्य जरूरतों पर और बच्चों की शिक्षा पर खर्च के साथ साथ खेती को सुधारने में लगा रही है। हांडी बंदा करबो से ग्रुप करे बेसी उन्नति पाउछो आमे। नुक्कड़ नाटक द्वारा बच्चों में पोलियो खुराक की जरूरत से लेकर अंधविश्वास की समस्या तक सभी बातों पर जागरूकता फैलाई जा रही है। ये मुहिम कितना रंग लाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर क्रांति के नगाड़े बज गए हैं। हमें तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है उसके ढोल बज रहे हैं। बेकर जिंदगी जीने की चाहत की शहनाई गूंज रही है। नए आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आर्थिक संपन्नता से दमकते चेहरे दे रहे हैं भोले भाले आदिवासियों को एक नई पहचान। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।